ओके फे आर लाइव नाउ गुड मॉर्निंग एवरी वन हवाई कैसे हैं आप सारे लोग नमस्कार शश्रीकाल आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे जिंदगी सभी की बहुत बढ़िया चल रही होगी और जिनकी जिंदगानी बढ़िया नहीं चल रही है टेंशन ना लो बहुत ही जल्दी बढ़िया हो जाएगी क्योंकि जीवन में जो आपकी खुशी है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ना कि किसी और के ऊपर बात समझ गए सारे के सारे लोग सभी को आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से क्लियर तरीके से सबको आवाज़ जा रही है चलिए बढ़ते हैं फिर अपने सेशन की तरफ आगे की तरफ ये आपका टेलीग्राम का चैनल है अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दिव्या त्रिपाठी मैम टेक्स बुक ओके okay? कोई डाउट कोई दिक्कत तो आप यहाँ मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं उसके अलावा आपको सारी क्लास की जो पी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आवाज क्लियर नो बफरिंग एवरीथिंग इज ऑल राइट गुड अब देखो मैम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग जो हैं वो बिना कोट के आगे बढ़ें बिना तुम देखो जब मैं यहाँ खड़ी हो जा रही हूँ तो विजिबिल यहाँ खड़ी तो ठीक रह रहा है ओके <laughs> okay. देखो भाई आज का कोट हमारा क्या कह रहा है जीवन की सबसे बड़ी खुशी है उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे जैसे लोग कहते हैं अरे बालक तुम रहने दो तुमसे ना हो पाएगा ये अरे तुम कर ही नहीं सकते हो तुमसे नहीं हो पाएगा तुम बने ही नहीं हो उस चीज़ के लिए तुम बस बोलते हो सोचते रहते हो उस काम को करके दिखाने में और उस काम को करने में ज्यादा मजा है जब तक लोग बुराई नहीं कर रहे जब तक लोग तीन चार बातें तुम्हारे पीछे नहीं कह रहे हैं ना इट मीन तुम कुछ सही काम नहीं कर रहे हो कोई सफल काम नहीं कर रहे हो उनसे ज्यादा सफल नहीं हो तुम जब तक लोग बातें ना करेंगे इसका मतलब है कि तुम सफल नहीं हो तुम नॉर्मल लोगों की बस जिंदगी जी रहे हो एक टाइप से लोगों को बात करने के लिए आज ही मोटिवेशन के साथ हमारा फ्लैट का डॉगी भी जो है वो भी चिल्लाना शुरू कर चुका पड़ोसी का डॉगी चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ है ना यस आई कैन डू इट तो हमारे कंपनी के फॉर्मेट के हिसाब से पीपीटी है भैया अगर कोई आज बोला कि मैम व्हाइट पीपीटी मत रखिए मत रखिए तो देख लो भैया हमें कुछ नहीं कह सकते हैं तुम लोग का है ये मुद्दा अच्छा इंडिया में कैंसर के लिए हम कितने प्रिपेयर हैं एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के बारे में अगर हम बात किया जाए एशिया पैसिफिक में तो इंडिया की रैंक कितनी आई है बाय द वे आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया इंडिया जो है 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 वो टॉप टॉप में 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 रहा है. इंडिया किस में रहा है? 10 में रहा किस लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सीधा दसवा नंबर ही बताओगे सीधा अगर टॉप टेन बोला है मतलब सबसे लास्ट नंबर में रहने की दरकार नहीं है नालाई को हाँ गुड मॉर्निंग क्या बताया हमने भैया आठवें नंबर पे इंडिया है ध्यान रखना अपना देश का रैंक जो है ये जरूर याद रखा जाता है बात समझ में आई तो बोला मैम एट्थ रैंक पे और कौन कौन है चीना होगा ही चाइना होगा ही ऑस्ट्रेलिया है जापान है इन सब के साथ हम भी जो है वो आठ में स्थान लेते हैं अच्छा एक बात बताओ ये आजकल शॉर्ट फॉर्म का बाइदवी ज़माना है लेकिन ये जो आई भी ऐसे है जो कि अभी न्यूज़ में भी था करेंटली गाइस शायद क्लास जल्दी से बड़ा उठा चाहते सारे, सारे लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को एक बार हाँ मनीष जय 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 कारा यस बताइएगा आई बी एस ए ये जो भी न्यूज में रिसेंटली था इसको ना मुझे इसको उस साइड कराना होगा पीपीडी को तब जाके सही होगा कि, कि मैं इधर खड़ी होती हूँ हाँ तो ये आपने बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया ब्राजील वो तुम लोग दिखा है? वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं ब्राजील एंड देन साउथ अफ्रीका इंडिया लाइक दिस काइंड ऑफ है ना क्लियर चलिए गुड इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसके बारे में अगर आपको ध्यान होगा तो विदेश मंत्रालय ने अभी हाल में एक न्यूज भी बना हुआ था काफी ज्यादा आगे देखिएगा आईएफएससी जो है बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी क्या होता है आपने कभी पैसे वैसे ट्रांसफर करें कभी किसी को ऐसा कभी तो हुआ होगा कि मैम हमने क्या किया होगा मैम पैसे हमने ट्रांसफर किए होंगे तो उस टाइम पीरियड पर एक कोड होता है आईएफएससी कोड होता है है ना जीरो बी आई एन कुछ ऐसा करके आपकी जगह के हिसाब से कोड होता है वो कोड क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बेटा ये लगती जरूर है बहनों की तरह तुमको ये क्वेश्चंस देख के लग रहे होंगे कि मैम ये बहनों की तरह लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं बहने ठीक तो, है तो कोड है बेटा सिस्टम नहीं है बच्चा मेरा कोड है वो एक कोड आता है आपके पास एक नंबर फॉर्म में हर बैंक का आई कोड जो होता है वो अलग होता है जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो उस टाइम पे ये जरूरी होता है आगे बढ़िएगा कौन सा जलवायु और जैव विविधता में आपातकालीन घोषित करने वाला दूसरा देश बन चुका है और इस देश के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं ओके एम बी वाले डन नॉर्मे नहीं इट्स आयरलैंड मैम क्वेश्चन देखे फट से हट जाइए <laughs> ये बड़ा सही था कहता है मैम क्वेश्चन देख महंगे तो मैम फट से हट जाएगी <laughs> ये क्या है बेटा आपका आयरलैंड है तो आयरलैंड भी जो है इसमें अपनी पार्लियामेंट में इसने भी एक मोशन पास करके इसने भी इसको ज्वाइन कर लिया है जिसके लिस्ट में कनाडा फ्रांस और ब्रिटेन थे उस लिस्ट को ज्वाइन करने वाला आपका आयरलैंड बन चुका है अच्छा एक बात तो बताई ये दूसरे लोग जो क्लास में इतनी लेट से आते हैं तुम लोग सुबह सुबह कौन सी खेती करके आते हो भैया कि सारा काम तुम लोग करके आते हो जो क्लास में लेट पहुँचते हो दस बजे का मतलब होता है एग्जैक्ट डॉट दस बजे यस yes, अभी की न्यूज़ है मैंने भी सुबह वाली क्लास खत्म करके पढ़ा है लिथियम के डिपॉजिट फाउंड हुए हैं इंडिया में पहली बार लिथियम के डिपॉजिट्स ओके okay, ध्यान दीजिएगा हाइपोकैलेमिया ये कॉज होता है किस बीमारी की वजह से पोटेशियम जो तुम लोग ऐसे लिखते हो ना के लिखते हो ना ऐसे जिसका मन करता है किन लोग को अच्छा जवाब खासा जवाब दे कितने लोगों को गुस्सा आता है वो सब देख के चलिए हट गई है मैम अब ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर पंडित शंभू महाराज को जो कि किसके क्लासिकल डांसर है किस पर्टिकुलर नृत्य के इनको अवार्ड किया गया है संगीत नाटक अकेडमी से चलिए मैं आपको हिंट के तौर पर बता दूं कि ये डांस फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है मतलब ये नॉर्थ का डांस फॉर्म है जवाब देना आसान हो गया आपके लिए कथक कुचिपुड़ी कहाँ की है आंध्र कुचिपुड़ी कहाँ की है मैम कुचिपुड़ी जो कि वहां के एक लोकल गांव कुचिपुड़ी से ओरिजिनेट हुई है इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है ओडिशी तो ओडिशा की है कथक कली कहाँ की है मैम तमिलनाडु आंध्र और केरला कथक कली ना बेटा भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु आंध्र 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 केरला आंध्र आंध्र केरला गुड नेक्स्ट वन इनमें से कौन से दो गैसेस है क्वेश्चंस ना भी देखो तब भी समझ में आ जाएंगे दो गैसेस है जो कि पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं अगर पूरे हवा का घटक देखा जाए तो ये दो गैसेस ने कंप्लीट तरीके से कवर करके रखा है कौन सी जगह है मैम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब कहते हो ना नींद में भी ना भूलना ये वो दो गैसेज हैं यस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है आगे देखिएगा इनमें से कौन से जो है एक सितार वादक है सितार बजाने वाले इनमें से कौन से सितार वादक हैं जल्दी से बेटा देखो इनमें से वो सारे हैं क्वेश्चंस जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं परवेज साहब कहां से शिव साहब जब हमने क्या पूछा सतारवादक पूछा था आपसे क्या पूछा था हमने आपसे सतारवादक पूछा था परवेज साहब आगे बढ़िएगा एक चैम्पियन माइंड लेसन फ्रॉम अ लाइफ इन अ टेनिस ये एक आत्मकथा है जो एक टेनिस प्लेयर के द्वारा लिखी गई है और हम सब जानते हैं कि मैम इससे काफ़ी ज़्यादा क्लॉसेस निकले थे इनकी आत्मकथा से कुछ खुलासे हुए थे खेल जगत के जिसके बारे में ये अखबार में था चलिए बेटा जरूरी नहीं रेंडम पास ये बताओगे आप नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट साहब की इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग के सारे संदर्भ में बात करता है इम्पीचमेंट एक ऐसा शब्द महाअभियोग एक ऐसा शब्द जो कि हमने यूएसए से लिया है यानी कि अमेरिका से लिया है अमेरिका से ये इम्पीचमेंट का शब्द हमने लिया है और ये आर्टिकल 61 में हमने ज़िक्र किया है इम्पीच इन्हें किस ग्राउंड पे किया जा सकता है अगर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ओ हुआ हो उस ग्राउंड पे आप इम्पीच करते हैं दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है इनके लिए जो मोशन है जब ये पाया जाता है कि हाँ भाई अब इम्पीचमेंट होना है तो दोनों हाउसेज में से यानी दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में इसको इम्पीच किया जाता है शुरू किया जाता है इनिशिएट किया जाता है पहला हाउस इनिशिएट करेगा दूसरा हाउस उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा ये बात हमेशा याद रखिएगा ठीक है इम्पीचमेंट शब्द जो है ये यूएसए में इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए अगर आप इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में इम्पीचमेंट शब्द जो है ये हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं के लिए हम रिमूवल टर्म का यूज करते हैं लेकिन आपने कई जगह देखा है कि जजेस को रिमूवल की जगह पे इंपीचमेंट शब्द दिया होता है एक्चुअल में वो यही यूएसए क्योंकि यूज करता है जजेस के लिए इसीलिए हम भी इनको देख के भैया वही शब्द का इस्तेमाल कर लिया करते हैं ड्रंक शॉट भाई साहब कितने लोग बास्केटबॉल के फैन हुआ करते थे जिसमें से मैं एक हुआ करती थी बताइए जल्दी से अब मैंने जवाब ही बता दिया यार क्या है यार मैं भी ना बास्केटबॉल नेक्स्ट वन किशोरी अमूकर एक इंडियन क्लासिकल जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दूसरा सर्वोच्च नागरिक का पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था 2002 के वक्त पर yes. याद रखिएगा दोबारा याद करा दू जिन बच्चों को नहीं आ रहा है इसके बारे में दो हजार दो में है ना अमूनकर किशोरी अमूनकर जो कि आपके जयपुर घराने से बिलोंग करती थी इनको सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि आपके पद्म विभूषण है ये दो हजार दो में मिला था टोक्यो ओलंपिक ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं फटाफट से गाइज सारे लोग आज क्लास में संजय नीरज अभिजीत मैंक मुकेश भट्ट गढ़ अनन्या, बेटा कितने दो कब मैम 2020 में आई गेस अगर कुछ नहीं तो 126 प्रतिभागी थे यहाँ पे अगर टोटल हम बात करें तो 126 सौ प्रतिभागी की संख्या हाँ है तो इन लोग में रही थी द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस आप सबको पता है कि एक आत्मकथा डॉक्टर साहब की आत्मकथा है डॉक्टर इनकी आत्मकथा है द मैन मेड द एलिफेंट डांस तुम लोग को तो मम्मा लोग नाच नचवाती होगी बहुत बढ़िया वाला घर में हाँ? वन गोल्डर टू सोल्व चार ब्रॉन्स गुड यस ऑपरेशन फ्लड बोले तो दूध की क्रांति आगे बढ़िएगा 1857 में पहली बार कौन सी झिल्लीबद्ध अंगक अक्सर कोशिकाओं के ऊर्जा कारखानों के रूप में संदर्भित होती है ऊर्जा कारखानों के रूप में देखो एक पॉइंट पकड़ा जाता है एक पॉइंट पकड़ा जाता है हिंदी नहीं आती मैम इंग्लिश में है क्या नहीं बेटा इंग्लिश में चलो कोई नहीं जिनको नहीं आता वो स्किप कर जाओ कोई दिक्कत नहीं है पद्म भूषण अवार्डी पदमा सुब्रमण्यम ये किस डांस दान्स के डांसर रहे हैं नो इशूज खत्म चलो मैं एक हिंट देती हूँ ये डांस फॉर्म जो है ये डांस फॉर्म तमिलनाडु की है ये जो डांस फॉर्म है जिसमें पद्म विभूषण मिला है सुब्रमण्यम जी को ये डांस फॉर्म आपकी तमिलनाडु की डांस फॉर्म है मैम भारतनाट्यम ध्यान से बेटा आराम आराम से मेरे शब्दों को सुनते हुए चलिएगा जो उनको नहीं समझ में आ रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं याद करते मेमोराइज करते हुए चलिए कोई बड़ी चीज नहीं है ओके नेक्स्ट वन सतबीर सिंह वर्सेस 2021 में एक केस हुआ था इस केस के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी केस बहुत लंबा केस चला था हरियाणा का केस था बहुत लंबा मतलब बहुत ही लंबा केस चला था बहुत आधे दिन तक ये लोग जेल में गुजार लिए थे अच्छा अच्छा सा टाइम उसके बाद वापस ये मामला उठाया गया था ठीक है हाँ डाउरी का मामला बहुत तगड़ा लगा था इस मामले के ऊपर जिस पर डाउरी डेथ के लिए कुछ गाइडलाइंस रखी गई थी कि आप स्ट्यूरो टाइप चीज़ें दिमाग में रख के नहीं चल सकते हैं इन्होंने जला के मार दिया था मैं ये बात नहीं कह रही हूँ इस केस के बारे में मैंने आपको पहले समझा रखा था यस हरियाणा जहाँ पे इक्कीस में कुछ गाइडलाइंस रखी गई थी डॉरी डेथ के लिए ऐसा नहीं होता कि अगर घर में अगर कुछ भी हो जाए अगर किसी को भगवान ना करे कभी कुछ हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्टीरो टाइप की चीजों के ऊपर चले आएंगे और दो में आपको पता होना चाहिए कि केस जो है वो मतलब सदियों पुराना है बीस पच्चीस साल पुराना केस जी हाँ मैम डरा रही नहीं बेटा डरा नहीं रहे तुम लोग अब ईजी कर दिया गया है ये कि मतलब डाउरी वगैरह तो वस्ते भी लेना मना है लेकिन हम इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में जानते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है डाउरी एग्जैक्ट मना है हमारे यहां खैर ध्यान दीजिएगा गोल एक ऑटोबायोग्राफी है किस फेमस इंडियन प्लेयर की इनके नाम पे अवार्ड भी है इनके नाम पे हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं इनके नाम पे पर स्पोर्ट्स में अवार्ड भी देते हैं और इनके नाम पे हम स्पोर्ट्स डे जो मनाते हैं वो इनके नाम पे मनाते हैं वेरी गुड मेजर ध्यानचंद बिल्कुल ऐसे ही आप लोग हिंट के साथ समझते जाइए आपको दो चार चीजें और याद होती भी जाएंगी वेरी गुड इंडियन म्यूजिक संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी जो है ये किस घराने से बिलोंग करते हैं हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि किराना घराना जो है किरण घराना ये भीमसेन जोशी वहां से उस घराने से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट वन सबसे पहली बार फाइव ईयर प्लान जो लाया गया वो सबसे पहली बार कब लाया गया अब मैम फाइव ईयर प्लान क्या थी पहले इसके बारे में समझते हैं मैम हमारे लिए ना कि भारत कैसे डेवलप हो भारत कैसे आगे बढ़ेगा ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्यों चैलेंज क्यों था मैम हमारे पास तो बड़े पैसे थे हाँ बेटा बिल्कुल पैसे थे लेकिन हमारा घर लूट लिया गया था जब हमारा घर लूट लिया गया तो आ जाए बेटा क्लासेस बायोलिंग्वल में चलेंगी ठीक है ओके अब हमारा घर लूट लिए गए मुगल्स आए तो मुगल्स लेके चले गए डच आए डच लेके चले गए अंग्रेज लेके चले गए बची कुची जो भी संपत्तियां थी वो जो पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था तो भिखारियों के पास वैसे भी लगता है कुछ था नहीं तो हम इसे पैसे मांग के बंटवारा के ये कितना अजीब चीज़ है ना बेटा बाप से मांग के पैसा मांग के बाहर जा रहा है और बाप के खिलाफ गद्दारी कर ले रहा है तो साउंड वियर्ड थोड़ा बहुत अजीब नहीं लगता तुम लोगों को ये वाली चीजें पैसा यहीं से लिया यहीं से लेके अलग हुआ बाय द वे ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है तो हमें ज़रूरत थी प्रॉपर प्लानिंग की कि जो हमारे देश को एक प्रॉपर तरीके से एक जगह दे पाए उसकी ज़रूरत थी तो प्लानिंग कमीशन हम लेके आते हैं पंचवर्षीय योजना जिसके नाम से आप जानते हैं 1951 में 1950 में आपका संविधान बना और 1951 में आपका लाया गया अप्रैल 1951 गुड फर्स्ट अप्रैल 1951 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया हारो डमर मॉडल गुड रज्जो ये बात समझ में आई आपको हम्म आप जो आज देखते हो कि जो आपके यहाँ जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए हैं जो बड़े बड़े आपके यहाँ जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं आप आज देखते हो कि मैम फैक्ट्रीज बनी हुई हैं ये सब कैसे बने ये सब इन्हीं योजनाओं की वजह से बने कि फैक्ट्रिया स्थापित करो ताकि लोगों को रोजगार मिले आप पुराने जमाने में सुनते थे पुराने जमाने में क्या होता था हेरड डोमर मॉडल यस यस उनके मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये हाँ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करो ताकि हम लोग एक बहुत बड़ा उपज में भी हम लोग बहुत बड़े एक प्रोड्यूसर बन सके ये सब इसी के थ्रू हुआ आप सुनते हो गए पुराने ज़माने में कि भैया आपके फैमिली को कोई मेम्बर पहले जाके कि किसी कंपनी में काम करते थे तो पहले कंपनी वो वाली नहीं थी कि ए सी में बैठे काम कर रहे हैं कई लैपटॉप पर नहीं 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 पहले प्लास्टिक बन रहा है प्लास्टिक की कंपनी खुली हुई है फैक्ट्री खुली हुई है है ना कुरकुरे बन रहा है दवाइयाँ बन रही हैं तो फैक्ट्री होती थी छप्पल बनने की फैक्ट्री ये सब बहुत ज़्यादा हुआ करती थी है ना नेक्स्ट वन जैसा आपको बताया पंचवर्षीय योजना जो है कुछ संशोधनों के साथ कुछ अमेंडमेंट के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी लेकिन वो एग्जैक्ट हेरोड डोमर मॉडल नहीं था उसमें कुछ पर्याप्त संशोधन किए गए थे सवाल देखिए मैम आपकी साइड आ चुकी है चलिए जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला था महापात्रा जी हैं कौन है ये मैम सुजाता महापात्रा जी जिनको संगीत नाकर अकेडमी में 2017 में इनको उड़ीसी नृत्य में योगदान के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है उड़ीसी नृत्य कहाँ से है मैम उड़ीसी नृत्य आपकी कहाँ से हो गया उड़ीसा से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है कुमारन नायर को भारत के किस शास्त्रीय नर्तक थे कथक कली कहां से मैम कथक कली <coughs> आवाज स्लो है तेज जा रही है यार कथक कली कहाँ का नृत्य है आप लोग जैसे मुझे जवाब बताएंगे आप लोग उसके साइड में मुझे आप बताएंगे कि मैम किस जगह का है अगर आपको पूरा लिखने का टाइप जल्दी लिख कर रहे हो तो जैसे अगर आप आंध्रा लिख रहे हो तो ए पी लिख दो है ना तमिलनाडु लिख दे रहे हो तो टी एन लिख दो ठीक है इस तरीके से आप लोग बात करो या केरला का के लिख दो इस तरीके से आप लोग करोगे केरला यस भी लिखोगे तब भी चलेगा के एल के आर जो भी लिखोगे चलेगा ठीक है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों आ रहा है जन्म स्थान कौन सा है मतलब वही है ना मैम जो अकबर के दरबार में थे जी हाँ इनका जन्म स्थान माना जाता है कि इनका जन्म स्थान ग्वालियर में है तानसेन का ग्वालियर में नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अनब्रेकेबल ये तो मेरी कॉम का है ना अनब्रेकेबल हवाई बिकम हिंदू लिविंग शेडो अनब्रेकेबल इट्स ऑफ मेरी कॉम नेक्स्ट वन आपको बता रहा है किस पड़ोसी देश में भारत की सीमा को लेके संशोधन किए गए हैं हमारी भारत के साथ सीमा को लेके संशोधन किए गए हैं ये वो पड़ोसी है जिसको हम लोगों ने आ, हमेशा मदद की है पाकिस्तान से अलग होने में भी जब इनके साथ बहुत बुरा हो रहा था जब ये भारत से अलग हुई और पन पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में आज जो वेस्ट बंगाल जो सुनते हो तो पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है आज कभी गौर किया है कि मैम इंडिया में जो हमारी वेस्ट बंगाल है ये तो हमारे नॉ ईस्ट में है भारत के पूरब में पड़ती है वेस्ट बंगाल भारत के पूरब में पड़ती है ईस्ट वेस्ट बंगाल तो इसका नाम मैम वेस्ट बंगाल क्यों है क्योंकि ये पूरे बंगाल का पश्चिम का भाग है जो भारत के पास है और पूरा बंगाल का जो पूरब का भाग है वो पाकिस्तान के पास चला गया और पाकिस्तान से फिर वो टूट के अलग हो क्या बना बांग्ला देश बना बंगाल जो एक बड़ा सा पार्ट था बंगाल है ना तो बंगाल का जो पश्चिम भाग था वो भारत के पास रहा पश्चिम भाग और पूरब भाग चला गया इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नाइनटीन सेवेंटी फोर वेरी वेरी गुड

स्केप कर सकते हो इस चीज को तुम छोड़ सकते हो आई यू अंडरस्टैंडिंग क्या कहा कि तुम जीरो पॉइंट फाइव परसेंट की जो टारगेट है ना फिजिकल डेफिसिट में तुम इस टारगेट को जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से आप इसको स्केप कर सकते हैं निकल सकते हैं आप इसमें से बात समझ में आई डन नेक्स्ट वन एनी जैदी जिनको नाइन डॉट्स प्राइज मिला गया है दिया गया है आपने बताना है कि इनको ये प्राइज असल में किस साल में दिया गया है आ, हिंट, 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 हिंट। हम लोग कोरोना में जूझ रहे थे उस टाइम पे हमारे पास जस्ट कोविड जो है अभी जस्ट आया ही था नाइनटीन से लेके ट्वेंटी के बीच में कब बोला नाइनटीन से लेके दो हजार उन्नीस से लेके दो हजार बीस में है ना एनी जज साहब को क्या आपको मिला था भैया इनको? सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए पुरस्कार दिया गया था एक बात को बहुत ध्यान से सुनना एक सवाल है बेटा मैं साइड ही हूं टेंशन ना लेना ज़्यादा। ओके। क्या कह रहा है, है कि जब सरकार कर को, टैक्स को कम कर रही होती है और सरकारी खर्च को बढ़ा रही है तो किस प्रकार का नीति राजकोषीय नीति को ये बढ़ावा दे रही है बात समझो क्या कहा गया है क्या बोला गया है टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया है जबकि हमारे यहां बढ़ा दिया गया है हमारे यहाँ टैक्स तो हर चीज में लगता है जनता से जनता से आप टैक्स कम ले रहे हो लेकिन आप स्कीम पे स्कीम लाए जा रहे हो अरे क्या हो गया हो यानी आप लोगों पे खर्च कर रहे हो तो यानी आपने क्या किया आपने, सरकार अपने खर्च में एक्सपेंशन कर रही है दोबारा सुनो सरकार तुम लोगों से पैसा कम ले रही है लेकिन सरकार अपने खाते से खर्च बढ़ा रही है एक्सपेंशन कर रही है समझी तो कुछ क्या कर रही है सरकार सरकार जो है आ, कहा गया सरकारी तो, सरकार खर्च को बढ़ा रही है क्या लिखा है सरकार खर्च को हम लोग ऐसे हाईलाइट करते थे ना ये तो पूरा मिट ही जाएगा हाईलाइटर रही है ना ये ठीक है हम्म ये रहा बात समझ में आई सरकार खर्च को बढ़ा रही है इट मींस एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट वन कमला हैरिस के बारे में जो कि आपकी यूएस की वीपी बनी है आपको पता है कि उनके संबंध जो हैं उनके फैमिली के संबंध जो हैं वो भारत से हैं तो आपने बताना है कि वो भारत में किस जगह से हैं तमिलनाडु ये तो सबको पता था इसके बारे में तमिलनाडु बेटा दिव्या मैम का शिष्य राजपूत तुमको टेंशन चाहिए था मिल गया आवाज़ और बढ़ाइए और बढ़ाइए आप एक घंटा से कह रहे हैं आपको हमारा टेंशन मिल गया हमने नाम ले लिया खुश शिष्य राजपूत जी खुश हो जाइए। तमिलनाडु ये तो चलो, तमिलनाडु। भारत के किस शहर में प्राचीन झीलों में से एक है ले तालाब है अब समझो मेरी बातों को झीलों का शहर किसे बोला जाता है झीलों का शहर किसे बोला जाता है बताइए बहुत खूबसूरत शहर है कभी जाना हो तो ज़रूर जाइएगा झीलों का शहर नवाबों का सैफ अली खान पटौदी की तो आधी प्रॉपर्टी तो उसी की है वहाँ पे है ना और लोगों ने एक कपड़ा का ब्रांड भी लॉन्च किया सैफ अली खान ने पटौदी ब्रांड है समथिंग वो जैसे ही वो ब्रांड आया मैंने सबसे पहले मिंत्रा पर खोला उस ब्रांड को मुझे लगा कुर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिलेंगी क्योंकि मुझे कुर्तियाँ बहुत पसंद है तो मैंने कहा पहले कुर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी थोड़ा देखो अच्छे से कोई अच्छी चीज़ मिले डिज़ाइन में ओके क्या कहा भैया मैम भोपाल भोपाल कहाँ है मैम भोपाल कहाँ है मैम मध्य प्रदेश में ठीक है नेक्स्ट वन अशोका पिलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत की के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा स्थल अशोक स्तंभ से संबंधित है एशियंट इंडिया में जब भी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जब बात करते हैं तो मौर्यन किंग अशोका वी आर टॉकिंग अबाउट मौर्यन किंग अशोका क्योंकि मेरे को नहीं बनना ना मिस यूनिवर्स में नहीं जाना ना अशोका कौन थे बेटा अशोक वॉज अरे ये बहुत बढ़िया है ना <laughs> ये बड़ा अच्छा था भाई okay. सांची स्तूपा जब स्तूपा के बारे में कहते हैं तो सांची स्तूपा चलिए एक सवाल आपके यहां से आपको पता है कि अशोका ने कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद बीच की हिस्ट्री बाकी इतिहासकारों ने गायब कर दी है कि कलिंगा का वॉर जीतने के पास वो खून खराबा देखे और फिर उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया ऐसा नहीं है ऑल उन्होंने कलिंगा के वॉर के बाद भी काफ़ी सारे युद्ध लड़े थे ऐसा नहीं है हारे भी थे बहुत सारे बहुत कुछ था जीते भी थे हारे थे तो बहुत सारी चीज़ें थी भाई देवे उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं खैर तो कलिंगा का वॉर जीतने के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था जिससे गुस्सा होके कुछ लोग कहते हैं कि इनके सेनापति कुछ कहते हैं इनकी पत्नी ने जो प्रथम बौद्धि वृक्ष था उसको काट दिया था

So, uh, यहां पे, give me a second आई don't नो आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा सारनाथ एक जगह है जहां पे सबसे पहली बार प्रीच किया था आई शो यू just जस्ट गिव मी second आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी कि भगवान बुद्ध की सामग्रियाँ कहाँ प्राप्त हैं भगवान बुद्ध की जो सामग्रियाँ हैं ये सामग्रियाँ जो उन्होंने यूज की थी वो आपने बताना है कि कहाँ पे रखा गया किस स्तूपा में इनके द्वारा यूज किया गया सामग्रियाँ जो हैं वो रखी गई हैं पता नहीं आप लोगों को ये दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा ये आप पीछे जो प्लेस दिख रहे हो आप पीछे एक प्लेस दिख रहे हो ये है सारनाथ और ये जब को पीछे जो मूर्तियां दिख रही हैं ये मूर्तियां उन पांच इनके शिष्यु की मूर्तियां हैं ये क्या है ये मूर्तियां जो है ये उनके पांच शिष्यु की मूर्तियां हैं जिन्होंने सबसे पहली बार दीक्षा ग्रहण करी थी इन्होंने क्या किया था सबसे पहली बार इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था तो बिल्कुल देखो उसी तरीके से बनाया हुआ है पांच शिष्य बैठे हुए और भगवान बुद्ध जो हैं वो आपके पीछे बैठे हुए हैं ठीक है भगवान बुद्ध क्या है वो आपके पीछे बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सबसे पहली बार इन्होंने यहाँ पे आके बैठ के क्या किया था मैम प्रीच किया था दिख रहा है आप लोग को ये वो जगह है और यहाँ पे एग्जैक्ट तरीके से अरे रुको यहाँ पे एग्जैक्ट तरीके से आपको स्तूपा मिल जाएगा और यहाँ पे वो बोधि वृक्ष वगैरह भी सब कुछ बना के इन्होंने प्रॉपर तरीके से रख रखा है बात समझ में आ गई हम्म ठीक है विजिबल तो ये वो जगह है एक्जैक्टली exactly यहीं पे बैठ के इन्होंने अपना सब कुछ अब मैंने वीडियो बनानी जो थी मैंने बंद कर दी थी क्योंकि लोग आसपास काफी देख रहे थे और काफी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे मिले वहां पे चलिए डन तो आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा सारनाथ में सबसे पहली बार जो जगह मैंने आपको दिखाई वो पवित्र जगह है जहां पे भगवान पहली बार जब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त होने तो के बाद सबसे पहली बार उन्होंने लोगों को जो अपना प्रवचन जो दिया अपनी ज्ञान जो दिया वो वहीं पे दिया था ठीक है वो याद रखना आगे बढ़िएगा ध्यान दीजिएगा रेचना दुआब जो है आपने बताना है कि मैम ये कहां पे आपका स्थित है वेरी गुड वेरी गुड थर्टी डिग्री थर्टी फाइव डिग्री कुछ ऐसे आपको याद आ रहा है रवि चेनाव मैम रवि चेनाव वेरी गुड रवि और चेनाब नदी नेक्स्ट वन पे अटेंशन क्या कह रहा है कि इनमें से बताइएगा कौन सा जो है जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है उन लोगों को मैं समझा देती हूँ ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग राज्यसभा के बारे में तो स्टेटमेंट राज्यसभा के बारे में एक सही है वो क्या सही है कि 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 मैम भारत के राष्ट्रपति भारत के वीपी साहब जो होते हैं यही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भारत के जो मैम वी साहब होते हैं मैम यही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और ये मैम मेम्बर नहीं होते हैं या क्या होते हैं मैम ये मैम मेंबर नहीं होते हैं डन क्लियर ये राज्यसभा के आपके मेंबर नहीं होंगे आपको पता है फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था मिलन साहब जो है उन्होंने भी मिलन साहब को लेकिन मानना होगा गौर इस टाइम पीरियड में पे भी क्या फिट है वो इवन उनकी दादी का भी एक वीडियो आया था ना दादी या माँ थी ना उनकी जो पुशअप्स कर रही थी आपको फिट इंडिया मूवमेंट से याद होगा जिसमें भारतीयों को अपने दैनिक जीवन में फिटनेस और गतिविधियों के खेलों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था कब मैम अगस्त 2019 में कब मैम अगस्त 2019 में इसको लाया गया था आइएगा रियल जीडीपी क्या होता है आप कितना आउटपुट दे पा रहे हो है ना इकोनॉमी आउटपुट जो है आर्थिक उत्पादन कितना हो पा रहा है ये रियल जीडीपी है हम क्यों कहते हैं कि फैक्ट्रीज बनाओ हम क्यों कहते हैं कि फैक्ट्रीज बनाओ हम क्यों कहते हैं कि मैनुफैक्चरिंग यूनिट खोलो हम क्यों कहते हैं कि सर्विस सेक्टर थोड़ा सा कम होना चाहिए <coughs> बात समझ रहे हो हम क्यों कहते हैं ये चीज़ जितनी फैक्ट्रियां होंगी जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी आपकी उतनी ज़्यादा हमारा देश जो है वो डेवलप करेगा नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा गुप्ता वंश के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुप्ता वंश का वो कौन सा शासक था जिसने महाराजा धराज की उपाधि को हासिल किया था इनके बारे में हम बता दें कि वक्त से हारते कैसे नहीं है वो आप इनसे सीख सकते हैं गुलाम के तौर पे इनको खरीद लिया गया था इनको इनकी माँ से अलग कर दिया गया था एक शिकारी से हजार दनार में एक शिकारी से इनको हजार दनार में इसीलिए इनको हज़ार दिनारी भी बुलाते थे हज़ार दिनार में चंद्रगुप्त ने खरीदा सिखाया इनमें लगन था इनकी लगन को देख के ऑब्वियसली आप में जब लगन होती है तो आपको चूज किया जाता है फिर आप एक कहते ना स्पेशल अटेंशन दे कि उसको एक सही करना चंद्रगुप्त को और ये जो आपके गुप्त के जो शासन में बने इन्होंने महाराजा धहराज की उपाधि को सबसे पहले हासिल किया आगे बढ़िएगा सिटीजनशिप एक्ट कौन सा एक्ट है सिटीजनशिप का डील करता है किन मैटर्स के साथ मैम ये डील करता है आपकी कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं ओके okay, ठीक है सिटीजनशिप एक्ट ही है 1955 फिफ्टी फाइव जिसमें जिक्र किया गया है कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं अच्छा बर्थ पे बन सकते हैं अगर आपका यहाँ जन्म हुआ हो आप तब बन सकते हैं ओके okay, मैम डन आप यहाँ के डिसेंडेंट हो तब बन सकते हैं वंश के आधार पर आप बन सकते हैं या आपके पास जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपने किसी एक बहुत क्षेत्र में एक्सेल किया अदनान स्वामी पाकिस्तानी है लेकिन वो अभी भारतीय है राइट अदनान स्वामी तो अगर आपने एक बहुत एक अच्छे फील्ड में आपने एक्सेल किया हो नाम बना रखा हो तो आपको उस फील्ड में बनते हैं आप सिंगल ही अच्छा लगता शादी नहीं करना ओके हाँ हाँ हाँ, हाँ ओके मनी ओके ओके <laughs> चलो नेक्स्ट वन आशीष शक्तिकनन ये एक्सपोनेंट है किस म्यूजिक के एक्सपोनेंट हैं मैम ध्रुपद आगे आइएगा क्या कह रहा है गोदान बहुत ही फेमस उपन्यास है बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है गोदान बड़ी बहू ये मतलब कहूँ ना अगर मैं तो बेस्ट से बेस्ट किताब अगर मैं आपको बोलूँ तो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ होगा उन लोगों ने इन नॉवेल्स को बचपन में ही पढ़ लिया होगा उसने भी पता है क्या होता था पहले के टाइम पे <clears throat> किताबें रेंट पे मिलती थी पहले के टाइम पे किताबें जो होती थी पहले दो रुपए तीन रुपए के हिसाब से अगर आप लोग कभी अपने गांव विजिट करते नानी घर दादी घर अगर कोई कर विजिट करते तो किताबें पहले रेंट पे मिलती थी कि आपको जो भी किताब पढ़ने का मन है वो आप किताब ले जाइए दो रुपए पे एक दिन दो दिन का दो दिन का तीन दिन का जो भी वक्त होता था वो वक्त मिलता था उस टाइम पीरियड पर तो आप क्या करते थे मैम हिंदी बुक में था मैं मैंने लाइब्रेरी पढ़ा था हाँ तो गर्मियों की जब छुट्टियाँ होती थी, थी ना गर्मियों की तो मैं बहुत सारी किताबें लिया करती थी उस टाइम में बहुत सारी किताबें और दिन भर गर्मी की छुट्टी में करना क्या होता था कोई काम तो होता नहीं था अपने को तो गर्मी की छुट्टी में दिन भर बैठ के सारी नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक था उस टाइम पे मेरे को तो मैंने बहुत सारी नॉवल्स पढ़ डाली थी उस टाइम पीरियड पर गर्मी को स्कूल टाइम में तो मैंने ना वो बना रखा था एक कलेक्शन बना रखा था कि मुझे कौन कौन सी किताबें जो हैं इस बार के वेकेशन में ख़त्म करनी है कौन सा सब्जेक्ट मुझे ख़त्म करना है इस बार के वेकेशन में एक ऐसा बना के रखा था अभी मिलता अभी का नहीं पता लेकिन हाँ अभी तो अपन ख़रीद के एक अच्छा खासा अपन ने लाइब्रेरी बना रखा है एक प्रॉपर लाइब्रेरी बना रखा है चीज़ों के बारे में बचपन में ये होता था पढ़ लिया अब क्या करें वापस कर देते हैं पढ़ लिया अब वापस कर देते हैं ओके क्या चल रहा है यार मैं तैयारी कर रहा हूँ शादी मत करना अभी आपके लिए लायक बन जाऊँगा बेटा मनीष जो आपने अभी बात कही है ना ये मेरे इंस्टाग्राम में हज़ारों की फॉर्म में मैं जैसे पड़े हुए हैं कि मैं इस साल तक ये बन जाऊँगा मैं नाम नहीं लूँगी मैं वो बन जाऊँगा तब तो तक तो तुम शादी मत करना तो ये जो है ये वाले जो आपके टैक्टिस होते हैं प्लीज़ बंद कीजिए मैं शादी आपकी वैसे किसी और की वैसे नहीं कर रही हूँ मैं अपनी वैसे नहीं कर रही हूँ प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए दो मिनट ठीक है बात समझ में आई जीवन खराब मत कीजिए अपने आप चलिए केलुचरण महापात्रा 20वीं शताब्दी में ओडिशी के शास्त्रीय नृत्य को पूर्ण जीवित करने के पीछे पौर्णिक भारतीय शास्त्रीय नगीत पद्म विभूषण से किसको सम्मानित किया गया था जी ई जो है अरे इनके मैं जिस देखो ना अगर तो ये स्पैम करते रहते कंटिन्यूसली स्पैम आता रहता है इनका कंटिन्यूसली बाय द वे ध्यान दीजिएगा जी जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैम जमेनियम मैम जमेनियम नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलिए आइए वाजिद अली शाह के बारे में बात करते हैं वाजिद अली शाह हज़रत बेगम कुछ किताबों में ऐसा जिक्र किया गया है कुछ ऐसी हिस्ट्री की किताबों में जिक्र किया गया है कि हज़रत बेगम जो थी हज़रत महल जो थी वो इनकी दूसरी बेगम थी लेकिन इनमें इनसे बहुत ज़्यादा गुर्दा था ब्रेव थी कह सकते हो स्ट्रोंग लीडर बनने की हिमाकत थी उनके अंदर वाजिद अली शाह जो हैं ये भाई साहब सब्सिडरी अलायंस में आके सब्सिडरी अलायंस में आके अपना राजपाट किसको सौंप दिया अंग्रेजों को सौंप दिया तो जब राजा और जब नवाब अपना राज्य जब सौंप देंगे अंग्रेजों को जब दे देंगे और इनके पास कोई काम नहीं था क्योंकि इस टाइम पे इनकी आर्मी को हटा दिया जाता था और इनकी आर्मी को रिप्लेस कर दिया जाता था ब्रिटिश आर्मी के साथ किसके साथ ब्रिटिश आर्मी के साथ मतलब भाई तुम हमारे पास अपना कोई नहीं है अब तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करोगे कैसे हमने जो तुम्हारी जो मेन विंग है तुम्हारी डिफेंस हमने उसको छीन लिया है ना तो औध अवध ठीक है अवध ये जो है आवाज अली शाहबे यहां से थे अगर आपको याद हुआ तो लखनऊ से हजरत बगम बेगम जो है जो वाजद अली शाह की धर्म पत्नी थी बेगम जान थी उन्होंने उस मोर्चा संभाला 1857 के रिवोल्ट का बात समझ में आ गई क्लियर स्पैम का मतलब क्या होता है निशान जो अभी आप कर रहे हो ना बेटा बार 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 बार, बार सेम चीज सेम क्वेश्चन सेम चीज है उसको स्पैम बोलते हैं हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस गुड बात और हमने फिर उसको पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद पे हमने भी साइन करवाया था चलिए डन hmm. वो रेट जिस रेट पे आर जो है ये बैंकों को लोन देती है आइए बताते हैं आर को लोन देने की दरकार क्यों पड़ गई मैम बेटा बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है बैंक के पास पैसा आता है जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो कैसे आता है जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो आपको याद है कि चलो मैं एक हिंट देती हूँ छोटा सा एक हिंट देती हूँ मैं नाम नहीं लूँगी एक बैंक था आई बैंक टाइम पर आया कि आई बैंक डूब रहा है चंदा कोचर उन्होंने पूरी बैंक को संभाल लिया बेहतरीन तरीके से हुआ यूँ था कि बैंक से एक बहुत बड़े उद्योगपति जो थे वो आई -से बैंक से एक ह्यूज अमाउंट निकाल रहे थे क्योंकि उनको एक अपना कॉन्ट्रैक्ट था उनको एक बनाना था रोड वोड का कुछ था उनका तो उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट जो है बैंक से निकाला था अपने काम की वजह से तो जब उन्होंने पैसा निकाला तो मार्केट में र्यूमर्स फैल गया कि आई बैंक डूबने वाली है जिसकी वजह से इतने बड़े उद्योगपति ने अपना पैसा आई बैंक से निकाल लिया है अब देखो र्यूमर्स की कितनी ताकत होती है लोग सही या गलत की जांच नहीं करते हैं और लोग घबरा गए कि आईसीआईसी डूबने वाली डूबने वाले लोग दौड़े एटीएम की तरफ लोग दौड़े बैंक की तरफ और सबने अपना पैसा आईसीआईसी बैंक से निकालना शुरू कर दिया अचानक से बैंक के पास पैसा खत्म हो गया क्योंकि अब जिस तरह बैंक के पास पूंजी रहेगी उसी पूंजी पर तो बैंक आधारित रहता है किसी भी पूंजी की वजह से ये बात समझ में आई उस टाइम पे जब बैंक बिल्कुल ही खत्म हो गया चंदा कोचर उन्होंने मीटिंग की बड़े बड़े हाउसेस के साथ सबका भरोसा जीता लोगों को वापस अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कराया अच्छी अच्छी स्कीम्स दी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बैंक को संभाला सब कुछ किया लेकिन आज वो जेल में है छोटी सी गलती वो भी उनकी गलती नहीं थी उनके हस्बैंड के कहने पे उन्होंने एक पेपर पर पे साइन कर दिया था एक अग्रीमेंट जो है एक टेंडर जो है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो जेल में है मतलब मैं बताऊँ अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को उस औरत ने अकेले संभाल लिया उन्होंने सीरियसली खैर ध्यान दीजिएगा तो ये जो बैंक होती है जब भी किसी बैंक के पास पैसे कम हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो बैंक क्या करती है बैंक जाती है आरबीआई के पास मतलब अपने पप्पा जान के पास आपको दिक्कत आती है आप कहाँ जाते हो पेरेंट्स के पास जाते हो सबसे पहले तो एग्जैक्टली यहाँ भी ये जाएगी अपने अब्बा जान के पास तो इनको रेपो रेट बैंक रेट और एम एस एफ तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं जिसकी टाइम डिफर करती है एक रात का भी लोन होता है फोर्टनाइट लोन भी होता है तो आपको बस एक रात का ब्याज ही देना पड़ेगा दैट इज एमएसएफ बाय द वे इसको रेपो रेट इसका जवाब होगा हां गुड अभिजीत ठीक है डन मैम कई लोग की क्वेश्चन दिमाग में येगा मैम रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा जिसको कहते हैं कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे मतलब कभी अगर आर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आर बैंक से पैसे लेगा उसको दैट विल बी नोन एज वोट रिवर्स रेपो रेट डन क्लियर ओके जितने दिन के लिए पैसे रखोगे आपका उतने दिन के लिए ही आपके चार्जेस जो होंगे वो आपने उतने दिन के लिए ही आपने चार्जेस को मिलना है ओके नेक्स्ट वन पारा आर्चरी डिस में किसको मिला है किसको मिला है हरविंदर सिंह को तिरंजी अनुशासन अर्जुन पुरस्कार 2021 किस में किसको मिला है हरंदर सिंह को नेक्स्ट वन कितने प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी किए जाते हैं रिट क्या होता है पहले इसको समझते हैं आपको मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराया गया है आपको फंडामेंटल राइट्स भाग तीन के तहत क्या कहा मैंने भाग तीन के तहत पार्ट थ्री के तहत आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अब ये मौलिक अधिकार का गारंटर कौन है इस मौलिक अधिकार का गार्जियन कौन है मैम? जो गार्जियन है मौलिक अधिकार का वो सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है इस मौलिक अधिकार तो अगर आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्योंकि यही तो है गारंटर संविधान का प्रोटेक्टर और फंडामेंटल राइट का गार्जियन गारंटर तो अगर ये आपका कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो रिट जारी होता है और ये रिट होता है पांच प्रकार का हेबियस कॉर्पस मैंडमस सेरेटरी प्रोहिबिशन ठीक है हाँ बात समझ में आ गई सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट डन अब ये सवाल एक और आपसे बनता है कि बताओ हम कोर्ट के ऐसे उठे और कोर्ट चले जाए कोई आर्टिकल तो होगा जो हमें पावर देता होगा कोर्ट जाने का हाँ क्यों वारंटो सॉरी तो कोई पावर तो होगी मैम जिसके तहत हम कोर्ट जा सकते हैं बिल्कुल आर्टिकल बत्तीस आर्टिकल बत्तीस okay, ये, ये ना अभी कालिदास सम्मान से सम्मान से सम्मानित किया गया है अगर भी अब बात करेंगे किन के बारे में वन दिल शांता धनंजय के बारे में इन्हें लोकप्रिय रूप से धनंजयन के नाम से जाना जाता है इन्हें अवार्ड कब दिया गया ये मैंने बताया था ना आपको पिछले अभी 2019-20 के टाइम पे बता दो था ओके नेक्स्ट वन अगला सवाल बताइएगा सबको आवाज आ रही ना सही से क्यों मैं बहुत तेज चल रही हूं हाँ जी महाराजा लंकेश <laughs> कौन सी मणिपुर क्लासिकल डांसर ओपेंड द गोविंद जी किस मणिपुर क्लासिकल डांसर ने ओपन किया था गोविंद जी नृत्यालय डांस स्कूल इम्फाल में पहले बताओ इम्फाल किसकी राजधानी है पहले बताओ इम्फाल किसकी राजधानी है इम्फाल बताइए किसकी राजधानी है कल गलाया है मास्टर क्लास है मैंने कल मैंने कराया था मास्टर क्लास में हर स्टेट के सीएम गवर्नर और कैपिटल्स

तुम लोगों ना काश एक दिन टेक्स्ट बुक ऐसा करे कि बोली कि वह हम सेमिनार आयोजित कर रहे हैं जिसमें बच्चों को आना है और फैकल्टी से मीट होगी तो बाकी फैकल्टी जाते हैं मिलते हैं, हाय हेलो बच्चों मैं तुम लोग को एक डंडा लेके आऊँगी और मैं तुम लोग को दौड़ा दौड़ा के अगर नहीं मारा मैंने वहाँ पे तो कहना मुझसे फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भाई क्रिकेट वाले फैन कहाँ गए सारे आ जाओ क्रिकेट के फैन फॉलोइंग इंग्लैंड वाले आ जाइए नेक्स्ट वन कौन सा ग्रुप जो है इट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट आर नॉन रिएक्टिव मोनो एलिमेंट जो कि एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट पर है बोले तो मैम ग्रुप एट ए हार भी गए यस yes. हार भी गए ये लोग जल्दी से बताइएगा भाई ग्रुप एट ए यहां पे क्या है मैम आगे बढ़िएगा इनमें से विच ऑफ बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट फैली एस नरिमिन नरविन साहब की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी आपको बताना है क्या बहुत ही सिंपल सी ऑटोबायोग्राफी का यूनिट टाइटल रखा था बिफोर मेमोरी फेथ्स एंड दैट्स ट्रू जब तक आपकी याददाश्त है जब तक आपको सब कुछ याद है तब तक हम चीजों को बया कर सकते हैं चीजों को रख सकते हैं सामने में राइट right? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों यस एग्जैक्टली सो बिफोर मेमोरी फेट्स एन ऑटोबायोग्राफी इट वॉज रिटन बाई होम नर नरिमन साहब ने ऑटोबायोग्राफी किस एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन की ऑटोबायोग्राफी है आई मी एंड माइंड एंड ही इज हु जॉर्ज हैरिसन नेक्स्ट वन आपको पता है अब जॉर्ज हैरिसन से मुझे जॉर्ज कैलेंडर याद आता है आपको पता है कैसे देश के बारे में जो आपसे चार साल पीछे चल रहा है जहां आप आज भी अगर आप जाएंगी तो वो आपसे चार साल पीछे चल रहा होगा और जी हां उनके पास कोई टाइम मशीन नहीं है किसी को पता है वो देश कौन सा है जो आपसे चार साल पहले चल रहा है मतलब तेईस से तो दो में वो देश जो है दो में चल रहा होगा कई लोग बोलेंगे मैम कैसे उनके पास टाइम मशीन है क्या नहीं बेटा कैलेंडर का फर्क है आपको पता है जो हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं पूरा देश इस साइड पे जो आप लोग फॉलो करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से फॉलो होता है तो जीस क्राइस्ट का बर्थ जो इधर वन ई से फॉलो हो रहा है तब से टाइम यानी साल गिना जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंगली अभी हम लोग ट्वेंटी दो हज़ार तेईस के अंतर्गत हैं और जीयस क्राइस्ट का बर्थ जॉर्जन कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट ई को हुआ था जबकि तो इथोपियन जो कैलेंडर है उनके हिसाब से जीस क्राइस्ट का बर्थ सेवेंथ बी में हुआ था इसका फ़र्क है और जिसकी वजह से ये डिफरेंस जो है ये आपका डिफरेंस चला आ रहा है तो इसलिए वो भी साल में और उनके यहाँ तेरह महीने होते हैं इथोपियन कैलेंडर के हिसाब से उनके यहाँ टोटल तेरह महीने होते हैं थर्टीन मंथ होते हैं उनके यहाँ थर्टीन मंथ्स जिसमें से बाकी दिन तो नॉर्मल होते हैं जो लेकिन जो आखिरी महीना होता है उसमें पाँच दिन होते हैं बस इनका जो तेरहवा महीना होता है इस तेरहवें महीने में सिर्फ फाइव डेज होते हैं और इसीलिए अभी ये साल में आपके पीछे चल रहे हैं ये बात समझ में आया <laughs> चलो गुड इसका क्या है माम एम्बियनशिप डब्लू बी सी ब्लड सेल ओके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं किसने लिखा था नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वंदे मातरम कंप्लीट तरीके से संस्कृत में रचित है जो कि आपकी राष्ट्रीय गीत है सबसे पहले वंदे मातरम का यूज किया जाता था स्वतंत्रता सेनानियों के उत्साह को बढ़ाने के रूप में इसको गाया जाता था लिखा गया है किसके द्वारा बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है नाशल आंदम को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है नाशल आंदम लिखा है है ना जनगण मना की जया है गुड पता चली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा आप होगा भी डाउट लगता है बेफिक्र हो गया बेजक होके मुझे बताइए कि मैम मेरे को एक बच्ची समझ नहीं आई या फिर मैम मेरे को कहीं और से भी किसी और चैप्टर से भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जहाँ भी आप मुझसे कनेक्टेड हैं आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं ओके okay? लेकिन हाथ जल्दबाजी की उम्मीद मत कीजिएगा कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम मैम को तुरंत मैसेज करेंगे और नहीं रिप्लाई मिलता है तो आप लोग फिर ऐसा होता है कि मैम आप रिप्लाई दे नहीं दे रही हैं मैम आप हमसे प्यार नहीं करती हैं मैम क्या हम इतने बुरे हैं फिर आप लोग इमोशनल चीजों पे चले जाते हैं फिर कई लोग मैसेज डिलीट करते हैं फिर भेजते हैं फिर डिलीट करते हैं फिर भेजते हैं है। ये डिस्टर्बिंग हो जाता है थोड़ा इंतजार कीजिए मैम के पास भी काम है भले रात के बारह बजे एक बजे दो बजे लेकिन मैं हमेशा रिप्लाई जरूर करती हूँ आप लोगों का ओके चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एवरीवन थैंक यू सो मच गाइस फॉर तो लव एंड सपोर्ट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बाय बाय